नमस्कार। ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं अभी 2 दिन पहले IAS की परीक्षा में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब नंबर सिस्टम में हमारी 30-35 वीडियो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें छोटा सा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमने 4 क्लासेस लिया हुआ है, पूरा पढ़िए। देखिए क्वेश्चन ये है कि 222 की पावर 333, 333 की पावर 222, इसमें से किससे डिविजिबल होगा? ध्यान से देखिएगा। यदि 222 को यदि हम लोग जीवन भर लिखते रहे, 222 को यदि हम लोग जीवन भर लिखते रहे, फिर यहाँ प्लस लगाएं, और 333 को यदि हम लोग लिखते रहें कितनी बार, 222 बार लिखते रहें, कितनी बार भी लिखें, यदि हम लोग ध्यान से देखें कि ये 2 से कटेगा या नहीं, तो इसको ध्यान से देखिए, 2 से नहीं कटेगा। 2 से इसलिए नहीं कटेगा, 2 से इसलिए नहीं कटेगा कि ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन इधर वाली संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी। ये एक रिमाइंडर, सबने एक एक रिमाइंडर देना है, तो इसको भाग देंगे तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं। यदि 3 से चेक करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, सभी 3 से डिविजिबल हैं, और इधर वाला भी 3 से डिविजिबल है। यानी ये रिमाइंडर 0 दे रहा है और ये रिमाइंडर 0 दे रहा है, और यानी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यानी 2 से नहीं कट रहा है। यदि आप इतना भी कर लेते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, बट नॉट 2, तो पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं थी, बी ऑप्शन मार देते। यदि 37 को ध्यान से देखें तो 37 को यदि 3 बार गुणा करेंगे तो 111 आएगा। 37 को यदि 6 बार गुणा करेंगे तो 222 आएगा। यदि 37 को 9 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 333। यानी 37 से ये पूरा पट, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 37 से ये भी इधर वाला भी कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 37 से डिविजिबल है। तो इसके लिए ऑप्शन आपको क्या बनाना पड़ेगा, बी करके आना होगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, ट्रेनिंग क्लास कीजिए, और सारे टॉपिक बढ़िया से पढ़ाए गए हैं। रात को 9 बजे लाइव क्लास चल रही है। धन्यवाद।